नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी एक और दूसरी जगह पे मौजूद हैं, अटेली विधानसभा है और इसी के अंदर कुछ लोग और मौजूद हैं। चलिए इनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी है, दावेदारी है, क्योंकि बहुत से जो नेता हैं वो मैदान में है, चाहे पिछले पुराने नेताओं की बात कर ले और कुछ नए नेताओं की बात कर ले, लेकिन दावेदारी बहुत नेता ठोक रहे हैं अपनी अपनी, लेकिन जो जनता है वो किसको चाहती है सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आएगी। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी कहाँ से हैं आप? पोता से। अच्छा, पोता गांव से। आप ये बताएं कि आपके इलाके में किस आदमी की छवि चल रही है, जो नेता, क्योंकि बहुत आते होंगे, दावेदारी भी बहुत है तो उन्हें ठोक रखी होगी, तो आपको कौन अच्छा लगता है? सुभाष यादव। अच्छा, सुभाष जी क्यों लगते हैं? सुभाष मतलब छवि के बढ़िया है और आदमी भी वैसे भी बढ़िया है। जी, मिले हो कभी? मिले हैं, कई बार मिले हैं और आने से बहुत फायदा है, गांव का भी है, नजदीक का भी है। तो और जो नेता हैं कांग्रेस की तरफ से जो टिकट मांग रहे हैं, वो नहीं लगते कोई भी आपको ऐसा कि जो टिकट के लायक हो, या फिर अगर अच्छा चलिए और किसी नेता की बात कर लेते हैं, कुछ लोग यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं आपके यहाँ से, तो क्या वो मतलब कैटेगरी में नहीं है? नहीं है जी, कैटेगरी काम वाम नहीं करवाए क्या? नहीं, कोई काम नहीं करवाया उस टाइम पर, काम नहीं हो पाई। उपाय तो पैसे से होते यार, बिना पैसे नहीं होते। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी क्या नाम? रमेश कुमार। रमेश जी आप बताएं, जो जितने भी नेता घूम रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो इनमें से आपको कौन अच्छा लगता है? सुभाष। क्यों लगते हैं? क्योंकि नजदीक है, गांव को है, जान पहचान का, गांव बढ़िया आदमी, उस वजह से इसको टिकट मिलनी चाहिए। अच्छा, एक मुद्दा और चल रहा है कि आपके इलाके में कभी कोई नेता रहा नहीं है, ये भी एक मुद्दा है, क्या इसलिए भी है? हाँ, इसलिए भी है जी, नजदीक को तो काम करवाओ सारा। अच्छा, ये उम्मीद है आप नजदीक है तो काम करवा। हाँ जी, चलिए और लोग मुद्दे। बाबूजी क्या नाम आपका? विजयपाल। विजयपाल जी आप बताएं, क्योंकि नेता तो बहुत होंगे और आपने सारी चीजें देखी हैं, जितने नेता हैं उनको सबको जानते होंगे, शायद हो सकता है पर्सनली भी जानते होंगे कौन काम करवा सकता है नहीं करवा सकता है, तो आपको कौन ऐसा इनमें लगता है, जितने भी जो टिकटार्थी घूम रहे हैं इनमें कौन ऐसा लगता है कि जो लायक है? पार्टी विशेष या जी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में तो सुभाष यादव से बढ़िया डिजर्विंग ईमानदार कर्मठ और नहीं लगते जी, क्योंकि और तो सारे देखे हुए, नरेंद्र की जहाँ बात है, नारनौल से दो बार हारे हुए, वहां पार निपट रहे तो वो अटेली में कूद रहा है, अनिता भी पहले सालास थी, अब वो फिर अटेली में आके वो हर दो बार जीत गई, अब हार के बाद वही है, तो सबसे बढ़िया हमें सुभाष यादव लगे। उनके दौरान में काम को नहीं हुए? काम तो थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन जो होने चाहिए वो नहीं हुए। अच्छा, जो होने चाहिए थे वैसे काम हो नहीं पाए, तो ये दिक्कत रही होगी फिर तो ये। हाँ जी, इलाके के अंदर। हाँ जी, तो क्या इनसे उम्मीद है सुभाष जी काम करवा पाएंगे? उम्मीद तो पूरी है जी, ईमानदार आदमी, कर्मठ आदमी, तो उम्मीद तो है। अब कांग्रेस को अगर सीट जितवानी है तो टिकट देनी चाहिए, नहीं जितवानी है तो फिर किसी को भी दो। अच्छा, मतलब इनको टिकट नहीं मिलेगी तो नहीं जीत पाएगी? नहीं जीतेगी, बिल्कुल 100% नहीं जीतेगी। ऐसी छवि है? हाँ जी। आसपास काफी गांव में छवि है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो आप सुन रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि अगर इनको टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस की हार निश्चित है, ये भी लोग बता रहे हैं। बाबू जी क्या नाम आपका? मेरा कृष्ण जी। कृष्ण। कृष्ण जी कहाँ से हैं? सेलंग से। अच्छा, सेलंग गाँव से ही है। तो आप किसको चाहते हैं, कौन सा नेता होना चाहिए आपका? जो हमारे बड़े काम करवाओ वो ना चाहती है हमने तो जी, ढंग को काम करवाओ, सबसे मिलनसार हो, यार न कहीं वोट दे लिया कोई भी आग ना चल रहा, काम वाम नहीं करवाते, काम तो करवाया है, मिलने नहीं आते, मिलन ना हो कोई भी, मतलब इलाके का हालचाल नहीं पूछता कोई यार। ना कोई ना पूछता है जी, तो अब लग रहा है कोई ऐसा नेता की जो हालचाल पूछ सकता है? अब देखो किसको टिकट मिलती है, मिलनसार होगा जी, जब बढ़िया होगा, बढ़िया काम करवावा, गांव का हित में, बाहर पड़ोस का गांव में, तो ऐसे नेता को चुनेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए इनकी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नेता इनको लगेगा सभी में से कि ये नेता अच्छा है, ये उसी का ही साथ देंगे। बाबू जी क्या नाम? सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र जी आप कहाँ से? नौताना से जी। आप नौताना से, तो आप ये बताएं आपके गांव की तरफ किसकी जो पकड़ है वो ज्यादा है या किसकी छवि अच्छी है? छवि तो जी नेता वो ट्रेन में है, सुभाष जी की अच्छी है जी, जी।
कांग्रेस में तो अच्छा कांग्रेस में सुभाष कांग्रेस में हाँ। तो बात की तो यहाँ से अनीता जी भी शायद आपकी यहाँ पे एमएलए रह चुकी हैं और भी काफी लोग हैं और टिकट तो बहुत मांग रहे हैं तो क्या उनमें से ऐसा कोई नहीं लगता सुभाष जी अच्छे पढ़े लिखे आदमी है जी समझदार है और समझदारी से काम करवाएंगे जी और पढ़े लिखे इतने पढ़े लिखे नहीं है जितने सुभाष जी है बिल्कुल मतलब जो काबिलियत है उनकी हाँ। उसको लेकर के आप बोल रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे और समझदार आदमी इसलिए टिकट मिल जानी चाहिए हाँ जी बिल्कुल जी तो क्या लगता है कि जो अगर इनको टिकट मिलती है तो इलाके के काम वगैरह कुछ हो पाए इनको टिकट मिलेगी जी 100% जीतेंगे जी कांग्रेस में और अटल जी की सीट गंवानी है कांग्रेस ने तो फिर और किसी को भी टिकट दे दो जितवानी है तो इनको देनी पड़ेगी टिकट बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग गांव से जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और सभी का जो मानना है वो भी आप देख ही चुके हैं लेकिन इनमें से कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि अगर टिकट कहीं और जाती है तो हो सकता है कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़े अब आप क्या सोचते हैं वो भी नीचे लिख दीजिए नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत नीट IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ नहीं तो फीस वापस हम बात नहीं काम करते हैं ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य श्री भगवान जी लाए हैं डहिना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके नजदीकी गांव निमोट में अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा IIT, PMT, CLET, CAC, PT, NDA, सैनी स्कूल और मिड्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ 1998 से मैं पहले भी दो संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे चरित्रवान बनाएंगे